सेक्शन नंबर क्लेम है वो अनसिक्योर्ड मनी डेप्ट और मूवेबल प्रॉपर्टी और चोजन इन एक्शन, ये तीन कैटेगरीज होते हैं या आप कह सकते हो कि ये तीन बेसिस होते हैं जिसपे एक्शनेबल क्लेम लाई करता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन डज एक्शनेबल क्लेम अराइजेस, एक्शनेबल क्लेम अराइज कब होता है? देखो, एक्शनेबल क्लेम अराइज तब होगा जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट को इन्फ्रिंज करेगा, वॉयलेट करेगा। जैसे यहां पे मिस्टर बॉय के पास राइट है टू रिकवर लोन अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, कि वो मिस्टर एक्स से लोन अमाउंट रिकवर करे, लेकिन मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी मिस्टर एक्स मिस्टर बॉय के जो राइट ऑफ रिकवरी है उसे वॉयलेट कर रहा है, तभी एक्शनेबल क्लेम अराइज होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं चैप्टर 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है। एक्शनेबल क्लेम क्या है, उसे हमने अपने इनिशियल वीडियोज में विथ प्रॉपर नोट्स एग्जाम्पल्स केस लॉज समझा है। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो इस वीडियो को जा करके देख सकते हो। इस वीडियो में आज हम सेक्शन 130 जो कि ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है उसे समझेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 8 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, ये शुरू होता है 130 से लेकर के 137 तक। हम इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन 130, 131, 32, 33 और 35। एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि एक्शनेबल क्लेम क्या है, ताकि आपके माइंड में जो पिक्चर है एक्शनेबल क्लेम को लेकर के वो क्लियर रहे। हमने जाना था कि एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, राइट। एक्शनेबल क्लेम क्या है? अ क्लेम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ विच, या जिसके रिलीफ के लिए लीगल एक्शन कैन बी टेकन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या है, अ क्लेम फॉर रिलीफ ऑफ विच लीगल एक्शन कैन बी टेकन, ये है एक्शनेबल क्लेम, राइट। देखो, जब हम डेप्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि दो तरह के डेप्ट होते हैं, एक होता है सिक्योर डेप्ट्स और दूसरा होता है अनसिक्योर डेप्ट्स। ठीक है, सिक्योर डेप्ट का मतलब होता है ऐसे डेप्ट्स जहां जो अमाउंट होता है बाय डेटर, यानी जो पर्सन किसी पर्सन से अमाउंट लेता है एज ए लोन, उसके बदले में एसेट सिक्योरिटी के तौर पर रखता है, वो क्या है, सिक्योर्ड डेप्ट है। एग्जाम्पल, मान लो ए ने बी से 20,000 रुपीज एज ए लोन लिया और बदले में बी के पास अपना स्कूटर रख दिया। तो यहां पे आप देखो कि दिस 20,000 अमाउंट ऑफ मनी इज टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्कूटर, तो ये क्या है, ये सिक्योर डेप्ट है। ठीक है, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डेप्ट, जिसमें अगेंस्ट द लोन अमाउंट नथिंग इज केप्ट एज सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखते हैं कुछ भी एसेट। और ये जो होता है वो दो पर्सन के ट्रस्ट के बीच की बात होती है, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, फेथ बिलीव अफेक्शन, राइट। जैसे ए ने बी से 20,000 रुपीज लिया बट इसके बदले में कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा, ये क्या हो गया, ये हो गया अनसिक्योर्ड मनी डेप्ट, क्लियर। अब जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, अनसिक्योर्ड मनी डेप्ट। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैटर है
जो सब्जेक्ट मैटर है किसका, एक्शनेबल क्लेम का, वो क्या है, अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट। ठीक है, ओके, एक बात क्लियर हो गया। अब देखो, जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मेनली दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो जो सब्जेक्ट मैटर है एक्शनेबल क्लेम का वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? ये भी क्लियर? अब देखो, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरीज को देखते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है चोजन इन एक्शन और दूसरा होता है चोजन इन पोजिशन, राइट? चोजन इन पोजिशन का मतलब है कि जो क्रेडिटर है यानी जो आपको लोन अमाउंट दे रहा है उसके बदले में आपसे किसी एसेट का ओनरशिप ले रहा है, यानी ओनरशिप ओवर एन एसेट इज विथ किसके पास रहेगा, क्लेमेंट के पास रहेगा, जो क्लेम करेगा अमाउंट को किसे, डेटर से, जिसको उसने अमाउंट दिया है, राइट? तो चोजन इन पोजिशन का मतलब होता है पोजिशन ऑफ एसेट, एसेट का पोजिशन रहता है किसके पास, क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर मीन्स व्हाट, जो आपको पैसे दिया हुआ है, ठीक है, ओके, वो बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी रखेगा तो उस एसेट का पोजिशन किसके पास होगा, उस क्रेडिटर के पास होगा। दिस इज कॉल्ड चोजन इन पोजिशन। और दूसरा होता है चोजन इन एक्शन, जिसमें जो क्लेमेंट है यानी जो क्लेम करेगा कि इस पर्सन ने इतना अमाउंट मुझसे इस डेट को लिया था, उसके पास किसी एसेट का पोजिशन नहीं होता है, राइट? तो ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट और मूवेबल प्रॉपर्टी और चोजन इन एक्शन, ये तीन कैटेगरीज होते हैं, या आप कह सकते हो कि ये तीन बेसिस होते हैं जिस पे एक्शनेबल क्लेम लाई करता है। ठीक है, ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, ठीक, मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 80,000 रुपीज लिया था, राइट, और बदले में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास कुछ भी चीज एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा था, राइट? तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि जो 80,000 मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से लिया है वो क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और क्योंकि मिस्टर एक्स ने कोई भी एसेट एज ए सिक्योरिटी मिस्टर वाई के पास नहीं रखा है तो ये क्या है, अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट है। और ये क्या है, चोजन इन एक्शन है, राइट? तो ये है एक्शनेबल क्लेम, राइट? अब मान लो, सपोज करो कि मिस्टर वॉय जो है, जिसने मिस्टर एक्स को ये 80,000 रुपीज दिया है, मिस्टर एक्स इस अमाउंट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन डज एक्शनेबल क्लेम अराइजेस, एक्शनेबल क्लेम अराइज कब होता है। देखो, एक्शनेबल क्लेम अराइज तब होगा जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट को इन्फ्रिंज करेगा, वॉयलेट करेगा। जैसे यहां पे मिस्टर वॉय के पास राइट है टू रिकवर लोन अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, कि वो मिस्टर एक्स से लोन अमाउंट रिकवर करे, लेकिन मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी मिस्टर एक्स मिस्टर वॉय के जो राइट ऑफ रिकवरी है उसे वॉयलेट कर रहा है, तभी एक्शनेबल क्लेम अराइज होगा। ठीक है, ओके, क्लियर? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो,
मान लो मिस्टर एक्स ने took an amount as debt, debt के तौर पे लिया है from Mr. X, sorry, from Mr. Y, Mr. Y से, ठीक है? अच्छा, अब Mr. Y कौन है? Mr. Y is friend of X, ठीक है? अब Mr. Y के पास ये right है कि वो Mr. X से जो भी अमाउंट मिस्टर एक्स ने उनसे लिया है वो उसे रिकवर कर सकते हैं. अब सपोज करो कि मिस्टर वॉई, ये कौन है? ये है क्रेडिटर, मतलब लेनदार, ठीक है? यानी मिस्टर वॉई के पास ये राइट है कि ये अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं किससे? मिस्टर एक्स से, ऑन द डेट सो फिक्स्ड बाय मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ने जो भी डेट फिक्स किया है कि इस डेट पे आपका पेमेंट हो जाएगा, उस डेट पे मिस्टर वॉई उस पेमेंट को ले सकते हैं. ही इज हैविंग राइट. अब तो डेटर कौन है? डेटर है मिस्टर एक्स. डेटर मीन्स देनदार, जो पैसे देगा. और क्रेडिटर कौन है? मिस्टर वॉई. अब मान लो मिस्टर वॉई ने इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कर दिया मिस्टर जेड को, जो कि कौन है? इसका है ब्रदर, जो कि वॉई का ब्रदर है. तो यहां देख रहे हो कि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मिस्टर वॉई टू मिस्टर जेड. मिस्टर वॉई से मिस्टर जेड के पास एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो रहा है. तो सपोज करो मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर दिया एज ए गिफ्ट. एक सिचुएशन मान लो कि मिस्टर एक्स का बर्थडे आ रहा है, तो मिस्टर वाई ने एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर दिया मिस्टर जेड को, ये कहते हुए कि देखो ये है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, इतना अमाउंट ऑफ मनी मुझे रिकवर करना है मिस्टर एक्स से. अब ये एक्शनेबल क्लेम मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं, तुम इस अमाउंट को मिस्टर एक्स से रिकवर कर लेना, वो तुम्हारा गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यही चीज बताता है सेक्शन 130. व्हाट ये कहता है? ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम. अब आइए हम सेक्शन 130 को देखते हैं. सेक्शन 130 कहता है कि एक्शनेबल क्लेम मे बी ट्रांसफर आइदर विथ कंसिडरेशन. एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो सकता है विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है? अब मान लो हो सकता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया, और क्योंकि मिस्टर वॉई जानता था कि इस पर्टिकुलर डेट पर मुझे मिस्टर एक्स से पैसे मिलने हैं, मेरे पास एट प्रेजेंट आई एम इन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, मुझे पैसे चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करता है? इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर देता है मिस्टर जेड को कुछ अमाउंट लेकर के. तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, ठीक है? ओके. लेकिन अब देखो ये जो एक्शनेबल क्लेम है ये ट्रांसफर कैसे होगा? कह रहा है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम बाय मिस्टर वॉई टू मिस्टर जेड मेड थ्रू रिटन इंस्ट्रूमेंट ओनली. अगर मिस्टर वॉई मिस्टर जेड को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करना चाहता है तो वो रिटन इंस्ट्रूमेंट के तहत होगा और उस पर साइन होगा. किसका? मिस्टर वॉई का. अगर साइन नहीं है तो थंब इंप्रेशन इट्स सफिशियंट. तो सेक्शन 130 कहता है कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसका ट्रांसफर रिटन इंस्ट्रूमेंट के तहत होगा और इट मस्ट बी ड्यूली साइन बाय ट्रांसफरर. जो ट्रांसफर कर रहा है उसके साइन होने चाहिए. ये है सेक्शन 130, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. अब हम सेक्शन 30 के प्रोविजंस को अगर हम देखें तो यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि मान लो
ये जो डेटर है यानी जो देनदार है, मतलब जो फ्यूचर में पैसे किसको देगा, वॉय को देगा। वॉय कौन है? क्रेडिटर है। और वॉय कौन है? ट्रांसफरर है, जो एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर रहा है जेड, जो कि कौन है? इसका ब्रदर है। ठीक है, अब कह रहे सपोज करो कि ये जो डेटर है he is not aware, इसे पता नहीं था, इसे नोटिस नहीं था कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसे मिस्टर वॉय ने मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो कह रहे द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन स्टेट्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि जो डेटर है मस्ट हैव नोटिस, उसे नोटिस हो रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। राइट, अब अगर हम आगे देखें तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि इन केस ट्रांसफर क्लेम्स फॉर मनी ओरिजिनल क्रेडिटर एंड डेटर हैव नो नोटिस अबाउट ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम टू जेड एंड पेज अमाउंट, तब क्या होगा। अब कह रहा है कि मान लो कि पहली बात तो ये हो गई कि अगर डेटर को पता नहीं है कि जो एक्शनेबल क्लेम है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये सेक्शन कहता है कि देयर इज नो नेसेसिटी कि डेटर को ये पता ही हो कि एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो गया है। लेकिन मान लो अगर इसे पता नहीं है और वॉई क्या कहता है, वॉई मिस्टर एक्स से अमाउंट रिकवर कर लेता है, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो चुका है जेड को, लेकिन वॉई चालाकी करता है और सोचता है कि क्योंकि मिस्टर एक्स को नॉलेज नहीं है, नोटिस नहीं है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, और वो इससे अमाउंट रिकवर करता है और डेटर बिकॉज ऑफ हैविंग नो नॉलेज पैसे पे कर देता है वॉई को, तो क्या होगा। तो कहता है The proviso of this section provides relief to debtor. इस section के जो proviso हैं वो debtor को relief पहुंचाते हैं कि क्योंकि debtor के पास notice नहीं था, so जो creditor है यानी जो transferee है वो claim नहीं कर सकता है, यानी अब actionable claim transfer हो गया था Z को, तो creditor कौन बन गया था, creditor बन गया था Z। ठीक है, बिकॉज ही इज हैविंग राइट टू रिकवर द अमाउंट, जैसे ही एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हुआ है वॉय से जेड को, तो जो राइट टू रिकवर अमाउंट है वो वॉय से जेड को शिफ्ट कर गया है। ठीक है, तो मान लो अगर कल को क्लेम करता है कौन, ट्रांसफरी, कि तुमने पैसे उसको पे कर दिए जबकि एक्शनेबल क्लेम मुझे ट्रांसफर हो गया था, तो यू हैव टू मेक पेमेंट राइट नाउ टू मी। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो डेटर को रिलीफ देते हैं कि वो पैसे पे करने के लिए बाउंड नहीं है, बिकॉज ही हैड नो नोटिस दैट एक्शनेबल क्लेम वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वॉई टू जेड। क्लियर है, चलिए अब देखो, अब सब सेक्शन टू क्या कहता है, सेक्शन 130 का। तो ये सब बातें सब सेक्शन वन में थी, अब देखो सब सेक्शन टू क्या कहता है सेक्शन 130 का। ये कहता है कि इन केस ट्रांसफरी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट डेटर फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ही कैन फाइल सूट एज ही इज ट्रांसफरी एंड हैव ऑल राइट विच अ ट्रांसफरी पॉजेस। अब ये कहता है कि मान लो कि ये जो ट्रांसफरी है वो एक सूट फाइल करता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस कि मिस्टर एक्स जो है मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो ये सूट फाइल कर सकता है बिकॉज क्योंकि एक्शनेबल क्लेम इसे ट्रांसफर हो गया है, तो ये ट्रांसफरी है और ट्रांसफरी के जो जो राइट्स हैं वो इसे बिलोंग करते हैं, तो ही कैन सूट इन द कोर्ट, वो जो है जो ट्रांसफरी है वो फाइल कर सकता है केस कोर्ट में बिकॉज ही इज ट्रांसफरी, लेकिन इज नॉट बाउंड, ये बाउंड नहीं है टू मेक द पेमेंट। ठीक है, ओके, अब एक्सेप्शंस क्या है इस सेक्शन के, एक्सेप्शंस क्या है। कह रहा है सेक्शन 130 के जो प्रोविजंस हैं एक्शनेबल क्लेम के वो फायर इंश्योरेंस और माइन इंश्योरेंस के केस में लागू नहीं होते हैं। आप लिखो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 130 रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ
actionable claim is not applicable on marine insurance and fire insurance. तो ये था सेक्शन 130 जो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है। आई होप कि सेक्शन 130 आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। अब अपने आगे के वीडियोस में हम ये जो हमारे सेक्शन हैं सेक्शन 131, 132, 133, 135 इन्हें कवर करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो ट्रांसफरी है यानी जिसको एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया गया है वो नोटिस दे सकती है किसको? डेटर को। यानी ट्रांसफरी के भी पास क्या है? राइट है कि वो डेटर को नोटिस दे सकती है कि ये देखो ये है नोटिस और ये किसमें है? राइटिंग में है। इस पे ट्रांसफर का सिग्नेचर है और ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है तो तुम पेमेंट मुझे करोगे। राइट, वॉइल सर्विंग नोटिस ट्रांसफरी उस नोटिस पे अपना एड्रेस मेंशन कर देगा। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के चैप्टर 8 जो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है उसके बचे हुए जो सेक्शंस हैं सेक्शन 131, 132, 133 एंड 135 इन चार सेक्शंस को कवर करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हमने सेक्शन 130 को डिटेल में समझा है तो अगर आप वीडियो में नए हो तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए सेक्शन 131 जो कि कहता है नोटिस टू बी इन राइटिंग एंड ड्यूली साइंड बाय ट्रांसफर। सेक्शन 130 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है और हमने जाना कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसका ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन इन दोनों ही वेज में हो सकता है। लेकिन अगर एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर होता है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए और उस पर ट्रांसफरर के साइन होने चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 131 को डिस्कस करने से पहले हमने सेक्शन 130 में ये भी जाना था कि जो ट्रांसफरर है अगर वो एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन के फेवर में और अगर वो डेटर को यानी जिससे पैसे लेने हैं उसे नोटिस नहीं प्रोवाइड करता है तो भी क्या है? ये वैलिड है। यानी इट इज अप टू द ट्रांसफरर, ये ट्रांसफरर के ऊपर है कि वो चाहे तो डेटर को नोटिस दे करके ये इन्फॉर्म कर सकता है कि जो एक्शनेबल क्लेम है वो इस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है और तुम पैसे इस पर्सन को ही दोगे। अगर नोटिस नहीं दे रहा है ट्रांसफरर तो ये भी क्या है? वैलिड है। राइट, लेकिन अगर ट्रांसफरर नोटिस सर्व कर रहा है किसको? डेटर को, तो कैसे सर्व किया जाएगा? इसे ही बताया गया है सेक्शन 131 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक है, चलिए तो सेक्शन 131 कहता है नोटिस टू बी इन राइटिंग, नोटिस इसमें होगा राइटिंग में होगा और वो ड्यूली साइंड बाय ट्रांसफरर होगा। राइट, तो कह रहा है कि ट्रांसफरर If not given notice, अगर डेटर को नोटिस नहीं दे रहा है तो भी क्या है? ये वैलिड है। लेकिन इन केस ट्रांसफर या ट्रांसफर के बिहाफ में कोई पर्सन जो उसके अंडर ऑथराइज है यानी उसका एजेंट गिव्स नोटिस टू डेटर, अगर डेटर को यानी जो पैसे देने वाला है अगर उसे नोटिस देते हैं कौन? ट्रांसफरर या ट्रांसफरर के बिहाफ में उसका एजेंट, तो इट मस्ट बी इन राइटिंग
ये राइटिंग में होना चाहिए और उस पे ट्रांसफरर के ड्यूली साइन होने चाहिए. लेकिन इन केस ट्रांसफरर इज नॉट गिविंग नोटिस, वो डेटर को नोटिस नहीं देना चाह रहा है ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, किसी भी पर्सनल रीजन के वजह से, तो ट्रांसफरर के बिहाफ में जो ट्रांसफरी है, एजेंट तो ले सकता है, लेकिन मान लो अगर एजेंट भी नहीं है और ट्रांसफरर भी नहीं चाहता है टू प्रोवाइड नोटिस टू डेटर दैट एक्शनेबल क्लेम हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय मी इन फेवर ऑफ दैट पर्सन, तब क्या होगा? तब जो ट्रांसफरी है यानी जिसको एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया गया है वो नोटिस दे सकती है. किसको? डेटर को. यानी ट्रांसफरी के भी पास क्या है? राइट है कि वो डेटर को नोटिस दे सकती है कि ये देखो ये है नोटिस और ये किसमें है? राइटिंग में है, इस पे ट्रांसफर का सिग्नेचर है और ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है तो तुम पेमेंट मुझे करोगे. राइट, वॉइल सर्विंग नोटिस ट्रांसफरी उस नोटिस पे अपना एड्रेस मेंशन कर देगा. क्लियर है? तो इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 131 ऑफ टीपीए. चलिए सेक्शन 132 क्या कहता है? कहता है ट्रांसफर इंक्लूड्स लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी रिलेटेड टू एक्शनेबल क्लेम. यानी सेक्शन 132 कहता है कि जब कभी भी एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर होगा ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफरर के जो भी राइट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगे. किसको? ऑब्वियसली ट्रांसफरी को. क्लियर है? ओके. सेक्शन 133 क्या कहता है? देखो ये कहता है वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेटर. जो ट्रांसफरर है वो वारंटी देगा रिगार्डिंग सॉल्वेंसी ऑफ डेटर टू ट्रांसफरी. ठीक है? यानी ट्रांसफरर सॉल्वेंसी का वारंटी लेगा. किसके? डेटर के. वॉइल ट्रांसफरिंग एक्शनेबल क्लेम इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी. ट्रांसफरी को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करते समय जो ट्रांसफरर है वो डेटर के सॉल्वेंसी की गारंटी लेगा उस दिन तक जिस दिन वो एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर रहा है. क्योंकि हम जानते हैं फ्यूचर इज अनसर्टेन. आज एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो कल हो सकता है कि उस लिस्ट में भी ना रहे, टॉप 10 में भी ना रहे. तो बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन तो जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करते समय उस दिन तक जो डेटर है उसके सॉल्वेंसी की गारंटी लेता है. ठीक है? ओके. तो ये है सेक्शन 131, सेक्शन 132 एंड सेक्शन 133. क्लियर है? चलिए अब हम सेक्शन 135 को भी देख लेते हैं. सेक्शन 135 क्या कहता है? सेक्शन 135 ये कहता है असाइनमेंट ऑफ राइट्स. असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस. अब यहां पे स्पेसिफिकली फायर इंश्योरेंस के बारे में बात किया गया है. ये सेक्शन ये कहता है कि मान लो इफ फायर इंश्योरेंस इज क्लेम्ड ऑन अ प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फायर इंश्योरेंस क्लेम किया गया है, इफ फायर इंश्योरेंस इज क्लेम्ड ओवर अ प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन और
वो जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर फायर इंश्योरेंस क्लेम किया गया है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। तो ये कहता है कि उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप तो ट्रांसफर होगा ही, साथ ही साथ वो जो फायर इंश्योरेंस का क्लेम है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो ये कहता है अलोंग विथ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्लेम ऑफ फायर इंश्योरेंस ओवर द प्रॉपर्टी विल गेट ट्रांसफर्ड टू दैट पर्सन। तो ये था सेक्शन 131, 132, 133 और सेक्शन 135। और एक और वीडियो जिसमें हम एक्शनेबल क्लेम जो सेक्शन 3 के तहत है और ये जो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम है इसे मर्ज करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपको अदर लॉ सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।